हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोसोल्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ एरोसोल। दैट मींस क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग, कैसे एरोसोल्स बनाए जाते हैं, हमारी फार्मास्यूटिकल जो हमारे लैब्स होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे कैसे एरोसोल्स का फॉर्मुलेशन होता है, और आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग उनका क्या क्या इवैल्यूएशन होता है, मतलब कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स। तो एरोसोल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, बेसिकली दो मेथड होते हैं। पहला होता है कोल्ड फिलिंग मेथड। तो कोल्ड फिलिंग मेथड में क्या होता है, इसमें दो मेथड इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें पहला मेथड ये है कि जो हम प्रोडक्ट कंसंट्रेट लेते हैं उसको चिल करते हैं टेम्परेचर में -30 से लेके -400 फारेनहाइट पे। अब यही तो चिल प्रोडक्ट हो गया, चिल प्रोडक्ट कंसंट्रेट हो गया, इसको क्या करेंगे, हम चिल्ड एरोसोल कंटेनर के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब पोर अप कर देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए हमने अब एरोसोल कंटेनर के अंदर इसको चिल्ड था पोर अप कर लिया वेपर प्रोडक्ट कंसंट्रेट को, अब हम क्या करेंगे, चिल प्रोपेलेंट को भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे थ्रू द इनलेट वॉल्व के थ्रू ऐड अप कर देंगे। या आप उसको इनलेट वॉल्व के थ्रू कर दो या साइड वॉल्व के थ्रू उसको एरोसोल कंटेनर के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम। ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड हमारा ये कहता है कि दोनों, या तो प्रोडक्ट कंसंट्रेट और पॉपुलेंट, दोनों के दोनों हमने लिया, दोनों को हमने पहले ठंडा किया -30 से लेके -400 डिग्री फारेनहाइट पे ठंडा किया, फिर दोनों ये पूरा जो मिक्सचर तैयार हो गया इसको हमने क्या किया, चिल कंटेनर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये आपका था कोल्ड फिलिंग मैथड की बात हमने की। अब सेकेंड मैथड हमारा होता है प्रेशर फिलिंग मैथड। ये जो प्रेशर फिलिंग मैथड होता है, इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट कंसंट्रेट होता है इसको हम फिल कर देते हैं एरोसोल कंटेनर के अंदर। भाई जो प्रोडक्ट कंसंट्रेट था उसको हमने फिल करा एरोसोल कंटेनर के अंदर, किसके थ्रू करेंगे, कोई भी एक मैट्रिक प्रेशर फिलिंग ब्यूरेट होती है, मतलब एक रूम टेम्परेचर पे हमारी मैट्रिक फिलिंग प्रेशर फिलिंग ब्यूरेट होती है, उसको हम क्या करेंगे, मतलब उसके थ्रू ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रोपेलेंट इज़ एडेड थ्रू द इनलेट वॉल्व। हम अब क्या करेंगे, हम जो प्रोपेलेंट होगा उसको इनलेट वॉल्व के थ्रू इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द वॉल्व। जो वॉल्व होती है उसके बेस पे जो भी प्रेजेंट होता है, या हम ये बोल सकते हैं अंडर साइड वॉल्व के जो साइड पे नीचे प्रेजेंट होगा, वहाँ के थ्रू हम क्या करेंगे, अपना भी प्रोपेलेंट को ऐड कर दिया। अब इन्होंने ये कहा है कि जो फ्लो होता है प्रोपेलेंट का टू द एरोसोल कंटेनर, जो एरोसोल कंटेनर के जो प्रोपेलेंट जा रहा है, जितने रेट से जा रहा है, जिस फ्लो से जा रहा है, उसका टिल द प्रेशर ऑफ द फिलिंग प्रोपेलेंट बिकम इक्वल टू द प्रेशर विद इन द कंटेनर। मतलब इन्होंने ये कहा हम प्रोपेलेंट को तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक जो फिलिंग प्रोपेलेंट है उसका प्रेशर और जो कंटेनर के अंदर प्रेशर है जब तक वो बराबर नहीं हो जाता, तब तक उसके फ्लो को हम मतलब बढ़ाते रहेंगे, कॉन्टिन्यूसली उसको ऐडअप करते रहेंगे। तो आपको समझ में आया, प्रेशर फिलिंग नाम ही है प्रेशर फिलिंग। तो हमने अपना कंसंट्रेट, प्रोडक्ट कंसंट्रेट लिया, एरोसोल कंटेनर के अंदर डाला ब्यूरेट के थ्रू, जो मेट्रिक प्रेशर फिलिंग ब्यूरेट थी उसके थ्रू। अब हम क्या करेंगे, प्रोपेलेंट को ऐड किया इनलेट वॉल्व के थ्रू। अब क्या होगा, जो प्रोपेलेंट हमने ऐड किया एरोसोल कंटेनर में, उसको कंटिन्यू ऐड करते रहेंगे तब तक जब तक उसका प्रेशर और जो प्रेशर होगा कंटेनर के अंदर, जब तक वो दोनों बराबर नहीं हो जाते। तो ये हमारे दो मैथड थे, पहला हमने कोल्ड फिलिंग पढ़ा था, दूसरा है प्रेशर फिलिंग मैथड। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स जो भी हैं, जो बनाए गए हैं एरोसोल हमारी लैब में, इंडस्ट्रीज़ में, उनका अब इवैल्यूएशन, मतलब कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो पहला हमारा होता है फ्लैमेबिलिटी एंड कम्बशन। फ्लैमेबिलिटी एंड कम्बशन, नाम ही है फ्लेमेबिलिटी एंड कम्बशन। तो इसमें दो ही मेन हमारे ऑब्जेक्टिव, दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहले हम फ्लेम ऑब्जेक्शन प्रोजेक्शन निकालते हैं, एंड दूसरा हम फ्लैश पॉइंट निकालते हैं। तो फ्लेम प्रोजेक्शन हमारा क्या होता है, इसका मतलब यही है, हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बताएं, एरोसोल प्रोडक्ट आपने लिया, उसको क्या किया आपने, ओपन फ्लेम थी, ओपन आपकी आग जल रही थी, फ्लेम थी, उसके अंदर स्प्रे कर दिया 4 सेकंड के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि फायर का जो फ्लेम थी हमारी, उसका एक्सटेंशन कितना होगा, मतलब कितना वो और ज़्यादा फ्लेम एक्सटेंड हुई ऊपर, बस उसको ही हम रूलर की हेल्प से इसको मेज़र कर लेंगे, यही हमारा फ्लेम प्रोजेक्शन होता है। दूसरा हमने बात की है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट मतलब इसको हम क्या करते हैं, एक होता है हमारा टैग ओपन कप अपरेटस होता है, जिसको एज अ स्टैंडर्ड टेस्ट अपरेटस यूज़ किया जाता है फ्लैश पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, वही अपने एरोसोल प्रोडक्ट को लिया हमने, उसको पहले ठंडा किया -250 फारेनहाइट पे, उसको फिर ट्रांसफ़र कर देंगे इसी अपरेटस में, टेस्ट अपरेटस में। फिर क्या करेंगे, जो टेम्परेचर होगा टेस्ट लिक्विड का, जिसको हमें टेस्ट आउट करना है, वो क्या होगा, उसका धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा। हमें नोट करना है कि किस टेम्परेचर पे जो वेपर होगा, मतलब वेपर्स बनना इनिशिएट होंगे, मतलब वेपर्स बनना क्रिएट हो जाएंगे, उस टेम्परेचर को हमें नोट डाउन करना है, वही हमारा फ्लैश पॉइंट होता है। तो देखिए फ्लैश, पहले था हमने क्या क्या पढ़ा, फ्लेम प्रोजेक्शन पढ़ा, फ्लैश पॉइंट पढ़ा, इसमें ये फ्लैमेबिलिटी एंड कम्बशन के अंदर आते हैं दो हमारे जो टेस्ट हैं।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम परफॉर्मेंस टेस्ट की। परफॉर्मेंस टेस्ट में भी फर्दर हमारे कुछ टेस्ट आते हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। तो पहला हमारा है एरोसोल वॉल्व डिस्चार्ज रेट। इसमें क्या होता है, एक हमने क्या किया, सिंपली नाम है एरोसोल वॉल्व डिस्चार्ज रेट। एरोसोल वॉल्व डिस्चार्ज मतलब जो एरोसोल प्रोडक्ट लिया उसका पहले हमने नोन वेट था उसका, मान लीजिए एरोसोल थे हमने उसका वेट कर लिया, नॉन वेट था हम जानते इतना वेट था। फिर हमने क्या किया, उसके अंदर का जो भी कंटेंट था उसको अलग निकाल लिया ऑपरेटर, स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स की हेल्प से जितना कंटेंट था निकाल लिया। अब गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए मतलब स्पेसिफिक टाइम के लिए अंदर कंटेंट को हमने निकाल लिया, उसके बाद कंटेनर को फिर से वे किया। तो हम ये देखते हैं कि कितना हमारा वेट में चेंज आया पर टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कितना वेट में चेंज आया हमारा, इसी को ही हम डिस्चार्ज रेट कहते हैं। और डिस्चार्ज रेट को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम पर सेकंड में, इस हमारे यूनिट में इसको कैलकुलेट आउट करते हैं। ये तो था हमारा एरोसोल वॉल्व डिस्चार्ज रेट। दूसरा था स्प्रे पैटर्न। तो यह का स्प्रे पैटर्न क्या कहता है, ये ऐसा मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्प्रे ऑन अ पीस ऑफ पेपर, मतलब पेपर लिया उसका पीस लिया उसमें क्या करेंगे, स्प्रे को इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब मारेंगे उस पर स्प्रे इंकल करेंगे, और फिर क्या करेंगे देन द ट्रीटेड, उसके बाद उसको हम डाइटॉल मिक्सचर के साथ ट्रीट अप कर देंगे, मतलब उसमें डाइटॉल मिक्सचर में उसको डाल देंगे, फिर हम रिकॉर्ड करेंगे कि स्प्रे पैटर्न को रिकॉर्ड अप करना है हमको, नाम ही है स्प्रे पैटर्न, स्प्रे का पैटर्न हमें नोट डाउन करना है ना। तो पहले हमने वही अपना मिक्सचर लिया स्प्रे का, उसको इम्प्लीमेंट किया स्प्रे को कोई पेपर के ऊपर, फिर डाइटॉल मिक्सचर पे उसको उसके साथ उसको ट्रीट किया, फिर हम स्प्रे पैटर्न को रिकॉर्ड कर लेंगे। आपका थर्ड आता है इसमें डोजेज विद मटेरियल वॉल्व, डोजेज विद मीटर्ड वॉल्व। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमने कोई भी द डोज आर डिस्पर्स इन टू अ सॉल्वेंट, हमने अपनी डोज जितनी भी ली थी उसको हमने अपने सॉल्वेंट के अंदर डिस्पर्स किया, उनके अंदर डाला, या तो हम और क्या कर सकते हैं ऑन टू अ मटेरियल, मतलब ऐसा मटेरियल दिया जिसमें जो भी हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रीडियंट थे वो सब उसमें अब्जॉर्ब हो जाए, वो अब्जॉर्ब कर लें। तो क्या होगा आगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, वो जो सॉल्यूशन तैयार हो गया उसका ऐसे करेंगे, मतलब गिव तो अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रीडिएंट। अब सही बात है, अब देखिए आपने क्या किया, उसको सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व कर लिया या कोई भी मटेरियल के अंदर डिजोल्व कर लिया, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट का हम ऐसे कर सकते हैं सॉल्यूशन के फॉर्म से, जितना एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है वो हम पता कर सकते हैं। अनदर मेथड, दूसरा मेथड ये कहता है कि हम एक्यूरेटली वे कर लें अपने कंटेनर को, फिल कंटेनर को पहले हमने वे कर लिया फॉलोड बाई डिस्पर्जिंग ऑफ सेवरल डोजेज, मतलब हमने पहले क्या कर डिफरेंट डिफरेंट डोजेज निकाली, उसमें से एक डोज डिस्पर्स करी, फिर डिस्पर्स करी, फिर डिस्पर्स करी, और यूनिटली हम एक एक टाइम ऑफ इंटरवल पे उसको वे करते जा रहे हैं। तो जो कंटेनर को हम देन रीवे करेंगे, मतलब फिर से वेट करेंगे, और जो डिफरेंसेस आएगा वेट में बाय द नंबर ऑफ डोज, मतलब जितनी बार हमने उसको डोजेस को निकाला, फिर उसको वे किया, फिर निकाला डोज को, फिर वे किया, यही करते रहेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा हमारा वेट में उसको ही हम डिवाइड कर देंगे कितने नंबर ऑफ टाइम हमने डोजेस को निकाला। तो इससे क्या होगा, एवरेज डोज निकल आएगी, एवरेज डोज निकल आएगी, इसी प्रोसेस को हमें रिपीटेड करना रहेगा, तो हमारा रिजल्ट को हम कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब इन्होंने डोजेज विद मेट्रेटिक वॉल्व से थ्रू इन्होंने ये चीज़ बताई है कि मतलब हमें प्रॉपर अमाउंट में देखना है, फिर एवरेज डोज निकाल के कंपैरिजन कर सकते हैं कि इतना था उस पर और हमारा इतना आ रहा है। ये तो एज़ पर हमारा फार्माकोपियास के अकॉर्डिंग हम इनको देख सकते हैं कि मतलब उसमें इतना गिवन था और हमारा ये रेशियो आ रहा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसी के ही अंदर, नेट कंटेंट निकालना। तो नेट कंटेंट के लिए क्या होता है, टार्ट कैंस होते हैं उनमें हम क्या करेंगे, आर प्लेस ऑन अ फिलिंग लाइन और वे, टार कंटेंट को हमने लिया उसको प्लेस किया फिलिंग लाइन में, उनको पहले हमने वे कर लिया, फिर डिफरेंस जो आएगा, जो भी डिफरेंस आ रहा है इन वेइंग इज इक्वल टू द नेट कंटेंट। सही बात है, अब देखिए टार कंटेंट को हमने प्लेस किया ऑन अ फिलिंग लाइन के अंदर रखा, उसको वेट कर लिया, उसको मतलब ऑलरेडी हम वे कर चुके थे, तो जो भी डिफरेंस आएगा वे में वो क्या होगा, वो नेट कंटेंट के बराबर होगा। अदर मेथड, दूसरा मेथड ये कहता है कि एक है डिस्ट्रक्टिव मेथड एंड कंसिस्टेंट, इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करें कंसिस्टिंग ऑफ वेइंग ऑफ फुल कंटेंट, मतलब पूरे पूरे कंटेनर को वे कर लेते हैं, देन उसमें क्या करते हैं डिस्पेंसिंग द कंटेंट, उसके बाद हम कंटेंट को डिस्पेंस और मतलब निकालते हैं बाहर जो कंटेंट आट देन वे उसको कंटेंट को फिर से वे करते हैं। द डिफरेंस इन वेइंग गिवन द अमाउंट ऑफ कंटेंट प्रेजेंट इन द कंटेनर। अच्छा इसमें देखिए नेट कंटेंट हमें निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले अपने जो भी पूरा कंटेनर था उसको फुल वे किया, फिर हमने कंटेंट को एक एक करके डिस्पर्स करके बाहर निकाला, फिर हमने कंटेंट को वे किया, जो बाहर आया कंटेंट उसको वे किया, फिर हम ये डिफरेंस निकाल लें कि कितना अमाउंट ऑफ कंटेंट प्रेजेंट था कंटेनर में, ये निकालेंगे इसके थ्रू, मतलब हमारा कहा जा रहा है कि इतना प्रेजेंट होना चाहिए और हमने उसको डिस्पर्स करके निकाला बार बार, तो इतना कंटेंट आ रहा है, तो नेट कंटेंट कितना था वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टेस्ट होता है फोम स्टेबिलिटी। फोम स्टेबिलिटी में क्या होगा, जो लाइफ ऑफ फोम रेंज हमको फ्रॉम अ फ्यू सेकेंड, मतलब जो झाग बनता है ना उसको निकालना है, लाइफ निकालनी है फोम रेंजेस की फ्रॉम अ फ्यू सेकेंड
मतलब ये ब्रेक फॉर्म फॉर क्विक ब्रेक ऑफ फॉर्म टू 1 आवर और मोर डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मुलेशन। आप देखिए जो भी फॉर्म्स बनते हैं, हमारे झाग बनता है उसकी वो होती है ना कि फॉर्म को ब्रेक करने का इतना टाइम होता है, वो कितना होता है, 1 घंटे से लेके 1 घंटा होता है या उससे ज़्यादा, डिपेंड करता है कि क्या फॉर्मुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली होता है। जो मेथड होता है विच आर यूज जिससे हम डिटरमाइन करते हैं फॉर्म स्टेबिलिटी, उसमें हम विजुअल इवेल्युएशन, या तो हम विजुअली देख सकते हैं टाइम फॉर अ गिवन मास टू पेनिट्रेट द फॉर्म, मतलब कितना हम देख रहे हैं कि ये अभी इसका बबल्स बनना स्टार्ट हुआ है इतनी देर में, ये आफ्टर दैट ये ब्रेक डाउन हो गए, या तो दूसरा हम ये कह सकते हैं टाइम फॉर अ गिवन रॉड दैट इज, हमने ये देखते हैं कि हमने एक रॉड ली, उसको हमने इंसर्ट किया तो ये रॉड कितनी अंदर तक गई, तो जिससे कि हमारा जो भी फॉर्म था वो फॉल मतलब वो भी ब्रेक हो गया, या ये रोटेटिंग विस्कोमीटर होता है उसके थ्रू देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन। पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन में भी कैस्केड इम्पैक्टर या लाइट स्कैटरिंग डिके मेथड ये यूज़ किया जाता है पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन के लिए। ये दो मेथड होते हैं, कैस्केड इम्पैक्टर होता है और लाइट स्कैटरिंग डिके मेथड हम यूज़ करते हैं पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन में। इनका बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि जो स्टीम पार्टिकल्स होते हैं, मतलब पार्टिकल्स की पूरी एक स्टीम चल रही है प्रोजेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ नोजल, मतलब जो हमारे पार्टिकल्स होंगे वो एक सीरीज ऑफ नोजल के थ्रू प्रोजेक्टेड होंगे एंड अ ग्लास स्लाइड, द लार्जर पार्टिकल्स जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे जो वो पहले आ जाएंगे इम्पैक्ट फर्स्ट ऑन द लो साइड लो विस्कोसिटी स्टेज एंड द स्मॉलर पार्टिकल इम्पैक्ट ऑन हाई विस्कोसिटी। सही बात है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे ना हमारे, वो हमारे जो होंगे वो पहले आ जाएंगे लो विस्कोसिटी की वजह से, वेलोसिटी स्टेजेस की वजह से, और जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो इम्पैक्ट ऑन द हाई। अब देखिए आप खुद ही सोचिए, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी सेडिमेंट, उनका जो देर में सेडिमेंटेशन होता है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी सेडिमेंट आउट हो जाते हैं, तो पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन इनके थ्रू बताया गया है नोजल्स के थ्रू। चलिए आगे बात करते हैं बायोलॉजिकल टेस्टिंग। नेक्स्ट हमारा था बायोलॉजिकल टेस्टिंग। हमने तो जितने भी अभी आपको बताया था वो परफॉर्मेंस टेस्ट थे, अब बात करते हैं बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब यही थेरेपेटिक एक्टिविटी या टॉक्सिसिटी भी, हमारी दोनों चीज़ आती हैं बायोलॉजिकल टेस्टिंग में। तो थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए हम क्या क्या करते हैं, इन्हेलेशन फॉर इन्हेलेशन एरोसोल, जो मतलब जो हम इन्हेल करते हैं नोज के थ्रू, उनके लिए क्या करेंगे, जो डिटर्मिनेशन ऑफ थेरेपेटिक एक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन, वही है अगर हम इन्हेलेशन एरोसोल्स की बात करें तो हमें थेरेपेटिक एक्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है पार्टिकल साइज इनका क्या है। सही बात है, अगर टॉपिकली एरोसोल्स की बात की जाए तो वो डिटरमाइन कैसे होती है, बाय अप्लाइंग द थेरेपेटिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट। अब वही आप थेरेपेटिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट को आपने लिया, उनको टॉपिकली मतलब स्किन पे अप्लाई किया टू अ टेस्ट एरिया जहाँ पे हमें टेस्ट करना है एंड द अमाउंट ऑफ थेरेपेटिक एरिया। अब हम इसमें ये देखते हैं ना कितना एब्जॉर्व, वो जो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट था वो कितना एब्जॉर्व किया उसने हमारी बॉडी में, वही हम निकालेंगे ना। तो ये हमारा हो गया टॉपिकली की बात होगी, वो इन्हेलेशन में हम पार्टिकल साइज देखेंगे, इसमें एब्जॉर्प्शन देख रहे हैं। अब टॉक्सिसिटी स्टडीज़ में क्या देखेंगे, अगर टॉपिकल की बात की जाए तो टॉपिकल में हम ये देखते हैं टॉक्सिसिटी में चिलिंग इफेक्ट देखते हैं, इरिटेशन देखते हैं स्किन पे क्या हो रही है। जब एरोसोल को आप टॉपिकली अपने बॉडी पे लगाओगे तो थर्मिस्टर मतलब मान लीजिए कोई थर्मोमीटर है यूज ट्रीटमेंट, वही टेम्परेचर देखते हैं ना कि कितना टेम्परेचर उसकी बॉडी का बढ़ गया, टेम्परेचर हम थर्मोमीटर के थ्रू देख सकते हैं, या चिलिंग हो गया बहुत, उसको चिलिंग मतलब ठंडी लग रही है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर घट गया बढ़ गया, उसके थ्रू हम देख सकते हैं। अगर इन्हेलेशन एरोसोल्स की बात की जाए तो उसमें टॉक्सिसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपोजिंग टेस्ट करते हैं एनिमल में टू वेपराइज स्प्रे फॉर एरोसोल, वही एरोसोल कंटेनर को मैंने क्या किया वेपराइज उनमें मतलब स्प्रे किया, तो क्या होगा एक्सपोजर टेस्ट, उनको मतलब डायरेक्टली इसके एक्सपोज में लिया एनिमल में, फिर हम नोट डाउन कर लेंगे उनकी एक्टिविटी क्या हो रहा है उनमें, क्या फर्दर कोई भी हमारे चेंजेस आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, आपको जो भी क्वेरीज हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय।